चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सेलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। चुनाव में गर्मी की चुनौती, हर वोटर लाइन पर छांव, पेयजल की होगी व्यवस्था, हर बूथ पर कूलर लगाने की तैयारी कर रहा निर्वाचन आयोग। तेजी से पिघल रहे हिमालय के ग्लेशियर, इसरो की रिपोर्ट में दावा, हिमालय की 601 झीलों का आकार 2 गुना से ज्यादा बड़ा, सैटेलाइट इमेज जारी की। मोदी बोले, कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह, ये केवल मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, मेरी गारंटी है रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होगा। नागालैंड के 6 जिलों में नए राज्य की मांग, 2 महीने से स्कूल सरकारी कामकाज बंद, 4 लाख से ज्यादा वोटरों ने लोकसभा का बहिष्कार किया। सूरत में बीजेपी से मिले हुए थे कांग्रेस प्रत्याशी, रिश्तेदारों को प्रस्तावक बनाया जिससे पर्चा खारिज हो, 5-स्टार होटल में 24 घंटे चला ऑपरेशन निर्विरोध। फ्लाइट में 12 साल तक के बच्चों को माता पिता के साथ बैठाना होगा, DGCA का एयरलाइंस को आदेश। जी हाँ, DGCA ने सभी एयरलाइंस से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि 12 साल तक की उम्र के बच्चों को फ्लाइट में उनके माता पिता या अभिभावकों में से कम एक के साथ सीट दी जाए। यह निर्देश 12 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्लाइट में माता पिता के साथ नहीं बैठाए जाने की घटनाओं के बाद आया है। कांग्रेस ऐसे विरोध करती है जैसे बीजेपी राक्षस हो, तेमजेन बोले, असम में बीजेपी की सीटें फंस रही लेकिन हिमंता दादा संभाल लेंगे। सैन्य मोर्चे पर खुद को मजबूत करने में जुटा भारत, 2023 में बना मिलिट्री पर खर्च करने वाला दुनिया का 4th सबसे बड़ा देश। माफिया मुख्तार अंसारी को जहर देने के आरोपों पर बड़ा खुलासा, विसरा रिपोर्ट से सामने आई सच्चाई, जहर से नहीं हार्ट अटैक से मौत, मुख्तार ने कहा था खाने में दिया जा रहा पॉइजन। बच्चों का दूध बनाने वाली कंपनियों की होगी जांच, हो सकती है बड़ी कार्रवाई। जी हाँ, बच्चों का दूध और बेबी फूड बनाने वाली कंपनियों को अब सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ऐसी कंपनियों के प्रोडक्ट्स की जांच शुरू करने जा रही है, अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स में गाइडलाइन के मुताबिक कमी पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम बाजार में उपलब्ध बच्चों के दूध की क्वालिटी और कंपोजिशन से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। कांग्रेस की गारंटी कार्ड के खिलाफ JDS पहुंची चुनाव आयोग के पास, कहा ये वोटर्स को लालच देने जैसा, इन गारंटी का मकसद लोकसभा चुनाव में चुनावी रिश्वतखोरी को बढ़ावा देना और मतदाताओं को प्रलोभन देना है। संजय सिंह बोले, केजरीवाल पर नजर रख रहा PMO, दिल्ली LG नियम तोड़कर CCTV लिंक से देख रहे, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। पूर्णिया में नीतीश बोले, नरेंद्र मोदी को PM बनाना है, बिहार में 40 और देश में 400 सीट जीतेंगे, किशनगंज में कहा हमने मदरसों को मान्यता दी। चॉकलेट खाना और कॉफी पीना पड़ेगा महंगा, क्राइसिस में आई इंडस्ट्री। जी हाँ, अगर आप भी चॉकलेट खाने या कॉफी पीने के शौकीन हैं तो आपको जल्द ही झटका लग सकता है। दरअसल आपकी फेवरेट चॉकलेट और कॉफी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिस कारण जल्द ही आपको इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। भारी डिमांड और कमजोर सप्लाई के कारण कोको की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसका सीधा असर चॉकलेट और कॉफी पर पड़ेगा। चुनाव के दौरान झारखंड में 3 करोड़ के नशीले पदार्थ जब्त, ड्रग्स अवैध धन के प्रसार को रोकने के लिए चलाया गया अभियान। अमेठी में सपा को बड़ा झटका, विधायक राकेश प्रताप सिंह के भाई उमेश समेत 11 नेता हुए भाजपाई। कलकत्ता हाईकोर्ट की चुनाव आयोग से अपील, बहरामपुर में चुनाव आगे बढ़ाएं, आचार संहिता में 2 गुटों में झगड़ा हुआ, ऐसे में वे किसी को चुन नहीं सकते। राम मंदिर में तेज हुई निर्माण की गति, दिसंबर 2024 तक पूरा करने के लिए अब 4000 मजदूर रोजाना करेंगे काम। इंडिया गठबंधन कोई मोर्चा नहीं, बीजेपी के खिलाफ एक मंच है, राहुल गांधी गंभीर राजनेता नहीं, कांग्रेस नेता पर बरसे केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। भारत ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल प्रक्षेपण, 250 किलोमीटर तक है मारक क्षमता। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला, जजों को गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बर्ताव न करें जिससे न्यायपालिका की छवि खराब हो। केजरीवाल को जेल में पहली बार इंसुलिन दी गई, तिहाड़ प्रशासन बोला शुगर लेवल 217 था इसलिए कम खुराक दी। वही कस्टडी पर सुनवाई में केजरीवाल और कविता को कोर्ट से झटका लगा, अब 7 मई तक बड़ी दोनों की न्यायिक हिरासत। किसानों के लिए खुशखबरी, 1 मई से कम हो जाएगा खाद का खर्च, आसानी से मिलेगी नैनो यूरिया प्लस। जी हाँ, किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाली खाद पर उनका खर्च 1 मई से कम हो सकता है। इसकी वजह ये है कि इफको ने लिक्विड यूरिया विकसित किया है जिसे नैनो यूरिया नाम दिया है, ये फसलों के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करता है। अब इसी का एक उन्नत संस्करण नैनो यूरिया प्लस विकसित किया गया है जिसे कभी कम कीमत पर उपलब्ध करवाया जाएगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र, पाकिस्तान में चुनाव जीतने जैसा, CM हिमंता ने मैनिफेस्टो को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा जारी रहेगा हुके पर बैन। अध्ययनकर्ता बोले ये 100 सिगरेट पीने जितना खतरनाक, कैंसर का भी खतरा। जी हाँ, हुके के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए कर्नाटक में इसे प्रतिबंधित किया गया था। इस बैन के खिलाफ जारी याचिकाओं को अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा हुक्के पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा, इससे होने वाले दुष्प्रभाव उतने ही खतरनाक हैं जितने सिगरेट के। पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पतंजलि ने कहा 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया। कोर्ट ने पूछा साइज विज्ञापन जैसा है क्या, कटिंग भेजिए, माइक्रोस्कोप से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। सीएम योगी बोले दादी से लेकर पोते तक गरीबी हटाओ का नारा देकर जनता की आंख में धूल झोंक रहे कांग्रेसी। सूखा राहत राशि को लेकर केंद्र के खिलाफ धरने पर बैठे कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया बोले सौतेला व्यवहार हो रहा। 2024-25 में 5 साल के निचले स्तर पर आएगी खुदरा महंगाई। वित्त वर्ष में सामान्य रहेंगी सब्जियों के दाम। जी हां, खुदरा महंगाई चालू, वित्त वर्ष में घटकर 5 साल के निचले स्तर पर आ सकती है। सब्जियों की आपूर्ति और कीमतों के सामान्य रहने से खुदरा महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष में आलू, प्याज और टमाटर जैसी प्रमुख सब्जियों की आपूर्ति सामान्य रहेगी। तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर निकले कांग्रेस, ये न तो सत्ता में आएगी और न ही निर्णय लेगी। सीएए पर पी चिदंबरम के बयान पर अमित शाह का पलटवार। रिलायंस जियो का नया रिकॉर्ड, मुकेश अंबानी की कंपनी ने चाइना मोबाइल को पछाड़ा, बनी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर। जयराम रमेश बोले प्रधानमंत्री मोदी विश्व गुरु नहीं विश्व गुरु हैं। उदयपुर में कहा हम राम के पुजारी व्यापारी नहीं, केंद्र ने जगन्ना तक नहीं होने दी। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से सरकारी की हुई ताबड़तोड़ कमाई, 5 गुना बढ़ गया जीएसटी कलेक्शन। नड्डा बोले कांग्रेस ने तीनों लोक में घोटाले किए। टीकमगढ़ में कहा ये आधे बेल पर आधे जेल में सोनिया केजरीवाल और ममता के घोटाले गिनाए। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में आज हीट वेव का अलर्ट, तापमान 42 डिग्री पहुंचा, 4-5 दिनों में टेम्परेचर और बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ समेत 21 राज्यों में बारिश का भी अनुमान। लोकसभा चुनाव, फारूक अब्दुल्ला बोले पीएम मोदी की टिप्पणी पर अफसोस, इस्लाम धर्म सबसे मिलकर चलना सिखाता है। वही प्रियंका का पीएम पर निशाना, कहा देश के सबसे बड़े नेता ने छोड़ी नैतिकता, सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलते। जम्मू कश्मीर के राजौरी में टारगेट किलिंग, आतंकियों ने सरकारी कर्मचारी की गोली मारकर हत्या की, एक महीने में ऐसी तीसरी घटना। मसाला बैन पर भारत ने सिंगापुर हांगकांग से डिटेल्स मांगी, दोनों देशों ने एवरेस्ट और एमडीएच के 4 मसालों पर लगाया था बैन, इनसे कैंसर का खतरा। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की अब 2 मई को होगी सुनवाई, अमित शाह पर की थी टिप्पणी। जलवायु परिवर्तन का एशियाई देशों पर असर, 2023 में हीट वेव से भारत में 2 माह के भीतर हुई 100 से अधिक मौतें, रिपोर्ट में खुलासा। संसदीय चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति मुइजू का चीन एजेंडा, मालदीव का संविधान बदलेंगे, 30 द्वीपों में चीनी कंपनियों को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।